काफी टाइम से इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रहे थे और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली मैं इस वीडियो को ला पा रही हूँ एंड इसको मेरे मामा ने ट्राई किया था और उनको जो रिजल्ट मिला है मैं आपको क्या बताऊँ, और उन्होंने ही मुझे ये टिप बताई तभी मैं आज आप लोगों को ये शेयर कर पा रही हूँ, थैंक्स टू हिम। आज का ये जो रेमेडी है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, गंजे स्कैल्प में न्यू हेयर आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, और इसके लिए आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एक चीज ढूंढनी है और उसको यूज करनी है, जो हमारे आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर नहीं मिलता है तो आपको इसको कलेक्ट करना होगा क्योंकि बहुत ही अमेजिंगली काम करता है। एंड सबसे इसका जो अच्छा चीज है वो है, आपको इसको बहुत दिनों तक यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से दो महीने तक आप इसको यूज कीजिए। वैसे तो जिन लोगों को हेयर की ऐसी प्रॉब्लम है, एलोपेसिया या फिर गंजे स्कैल्प की, और काफी टाइम से वो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रही हूँ कि इससे आपको काम जरूर होगा, बट जैसा कि मेरे मामा को हुआ है मैंने आपको बताया, तो आपको भी हो सकता है, आपको इसको पेशेंस के साथ यूज करना होगा। मेरा मानना है कि अगर आप विश्वास के साथ कोई चीज यूज करोगे, एक दो दिन यूज करके आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यू यूज करना है, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, हेयर फॉल से, या फिर आपको लग रहा है कि आपके न्यू हेयर नहीं आ रहे हैं, स्कैल्प खाली होता जा रहा है, फोरहेड एरिया बड़ा होता जा रहा है, या फिर बीच में से कहीं से गंजापन आ रहा है, ये बॉयज का भी हो सकता है, गर्ल्स का भी हो सकता है, किसी का भी, किसी भी उम्र में हो सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज का जो टिप है आप इसको फॉलो कीजिए और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, तो आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, हेलो एवरीवन, मैं हूं रूंटी और मैं अपने चैनल पे रेगुलर DIY रेमेडी शेयर करती हूं, जिससे आप घर बैठे अपना स्किन केयर और हेयर केयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, हेयर केयर रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी गंजे स्कैल्प में या फिर पैचेस स्कैल्प में आप कैसे न्यू हेयर ग्रो कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत लोगों को काम भी आएगी। ज्यादा बात करके वीडियो को बड़ा नहीं करूंगी, अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बस हमें एक ही चीज चाहिए, वो है मदार, यानी कि अक का औषधीय पौधा। इस फूल को तो आप सभी पहचानते होंगे, शिवरात्रि में हम शिव जी को ये फूल चढ़ाते हैं। ये पूरे भारत में बंजर जमीन में अपने आप उगता है। मुख्य रूप से इसकी दो किस्म होती है, एक होता है बैंगनी फूल और दूसरा होता है सफेद फूल। जो लोग अपने उड़े हुए बालों से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि काश बाल वापस आ जाए, तो उनके लिए मदार का पौधा वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस पौधे का दूध उड़े हुए बालों की जगह पर लगाने से बाल वापस आ जाते हैं। ये गंजापन का रामबाण उपचार है। अक के पौधे का हर अंग दवा है, ये बालों को वापस उगाता तो है ही, साथ में बाहर निकला पेट को कम करता है, डायबिटीज को ठीक करता है, सिर दर्द से तुरंत राहत देता है, गाठिया 21 दिन में ठीक करता है, वादी बवासीर नष्ट करता है, बहरापन ठीक करता है और कील मुहासे को मिटाता है। अभी हम बात करते हैं नए बाल को कैसे उगाना है, जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ अक के दूध को लेना है और जिस जगह पे हमें न्यू हेयर चाहिए वहां पर हमें इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और इसको 10 मिनट छोड़ने के बाद हम वॉश कर सकते हैं। आप इसको रोजाना यूज कर सकते हैं, और अगर आपका पॉसिबल नहीं होता है तो वीक में कम से कम 3 दिन इसको जरूर अप्लाई करें, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको आप जरूर 1 से 2 महीने तक फॉलो कीजिए और मेरे साथ आप अपना फीडबैक शेयर करना नीचे कमेंट में, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो अपने फोटोज वीडियोस जो आप चाहो, तो इससे और भी लोगों को हेल्प मिल जाएगी, हम उसको शेयर भी करेंगे। और आप कमेंट जरूर करना क्योंकि कमेंट्स पढ़ के भी बहुत लोगों को यकीन आता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।